بسم الله الرحمن الرحيم. محترم كاري حبيب الرحمن محمد صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الهدي كتاب الله

<تصفيق> <تصفيق> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صار دنيا الله باك بنائيه सी होर शरीक न नसानी सारी दुनिया अलाह पाक बनाई सझी होर शरीक नसानी काई का ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਉਥੇ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਉਸਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਸਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਉਥੇ ਦੇਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਉਸਦਾ ڈائی की फिट ते रखिया सचा आहे बाहिरि नलिया चूं चू करदा बचा आहे बिली वेख कमल बजदा नसां आगे आगे दुश्मन माहन ॾसंद आहे सजन दुश्मन दिए किन्ने गल समझाई सांझी होर शरीक नसानी ए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई ए सांझी होर शरीक नसानी ए पत्थर दे बिच कीड़ा ना डंडी बनाए रिजक ओ थे पे अखानदा वन सवनाए रिजक देन वाली कौन दी जात है अल्लाह पत्थर दे अंदर हजरत मूसा अली सलात नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा नू क्या मूसा पत्थर ते आसा मार पत्थर फटिया فرمایا اللہ جی پھر کی کراں فرمایا پھر پتھر تے آسا مار پھر ماریا پھر پتھر پھٹیا تیسری مرتبہ پھر حکم ملیا پتھر تے آسا مار موسی نے آسا ماریا پتھر پھٹیا ایک کیڑا نکلیا اون دے منہ دے اندر سبز پتھر ہے او کھا ریا ہے جیڑا رب او تِنّا تہواں دے پھلے کیڑے نو کھلانے تے قادر ہے ਔਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਾਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਣਾ ਡੰਡੀ ਬਨਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਓਥੇ ਖਾਂਦਾ ਵਨਸਵਨ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਗੇਟ ਨਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ

सांझी होर शरीक नसानी का ये। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है होर शरीक नसानी का ये। इको फल नू चूस ढूंढते त मखिया ने वंडा दोना दे अंदर की की अल्लाह रखिया ने मखिया बनावन शहद ते भूंड बूंदर ने पर जहर ते शहद दिया इकट्ठिया नहर ने पैप नहर दियाँ कि महफूज रुकावट ने खालस शहद न बिलकुल जहर मिलावट ने जैर तहद द किन्ने वंड बनाई है सझी उस दी हो साझी होर शरीक न सानी का सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है और शरीक नजानी पैकिंग मां दे, पेट दे गुप्त हँधेरे ने पैकिंग मां दे, पेट ते दे, गुप्त हँधेरे ने जोड़ पे जोड़े ओथे तेरे ने कारीगर पया घोश हॾियां जोड़ कमरे दरियल लोड़ दाए। पिछे मार केख के दे तुजि पिछे मार केति वेख ओका त पनी नौ महीन वारी लम्बी रातन पानी दे एक नुत्फे तो गल समझाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਰਾਨੇ ਕਾਲਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨਹਰਾਨੇ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾਏ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾਏ पर जदों बुलावे कंड कर भजनाए ओ गनी असी मंगते शक नी होर शरीक नसानी काईए आखरी जुमला पानी फरश बिछा के दस ते सही पानी उते फरश बिछा के दस ते सही थमा बिना कोई छत बना के दस ते सही दुए दे चन बदल जोड़ के दस ते सही दुए दे चन बदल जोड़ के दस ते सही बदलों दे पानी कट के दस ते सही आकड़ते मगरूरी तेनो नहीं कोई खालिक मालिक उस दी कर बंदगी तमाम किस्म दमदो सना अल्लाह वहदहूला शरीक दी जात बा बरकात वास्ते खास है जो इस कायनात का मालिक है खालिक है पूरी कायनात नंदर बनाने अंदर, बनान अंदर उनका कोई शरीक नहीं उनकी इबादत अंदर फिर किसे नु शरीक ना कीता जाए क्योंकि वो अहद है जेड़ा कल्ला होए, उनु कल्ले नु पुकारेगा अल्लाह रब्बुल रबुलमीन फरमाते ने बंदिया मेरी बंदगी तू कर ल मैं अरशे बरी द रब तेन अपनी जन्नत दा मालिक तेनू बना देंगा और दरुदोसलाम इमाम्बिया ख़तीब उल अंबिया आमिना दे लाल कुल कायनात दे सरदार मेरे तो दी बहार जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाते गिरामी पर जिस आका ने बड़िया तकलीफ़ा बर्दाश्त करके साढ़े तक इस दीने हनीफ न पहुंचाया अल्लाह उस नबी ते तरोड़ा अरबा खरबा अपनी रहमत दिया मंजिल नाजल ना ना फरमाए मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब अंदर जिस बात का जिक्र खैर फरमायन आज तू ते मैं उनके कोलू दूर हो चुके हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी नबी भेजे आमिना द लाल नात सरदार जनाब अलैहि वसल्लम वसलम भेजे और जड़ी किताब आकसलात वसलाम नाजल फरमाई उस कुरान मजीद की इब्तदा अंदर अल्लाह रहीम व करीम ने अपनी तौहीद का आगाज कीता और तौहीद ए आगाज कर्म तो बाद मेरे महबूब پیغمبر थे उतरन वाली किताब अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज का हुक्म दिता है वो है नमाज जिनो मैं ते तू आज पढ़ते नहीं मेरे भाई नबीए कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया नमाजी बंदा जदो तो नमाज पढ़ता है उदो रब के करीब होंगे जो तो बंदा रब के करीब हों जो तो कोई जिमीदार कोई नौकर अपने मालिक दे करीब होके उन्हों जाके सवाल करता है ए जिमीदार मैनू अज रुपए पैसे चाहते ने फिर और जिमींदार खास एक तावन मेरा रब मेरे, बंदे, मेरे सामने आके इस पेशानी न झुकाते सही पंजगाना नमाज तू पा मैं अर्शे बरी द रब तेन गुनावा तुम पाक कर देवगा आइए ना सही मुसलम दी से मेरे तेरे पीरों मुर्शद जनाबे वसल्लम ने फरमायाकाली मुसलातु वसलाम ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया कि अर्शे बरीते ते मैनू रब ने बुलाया आसमाना ते बुला के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ए तोहफा अता फरमाया जिस तोहफे नू मैं ते तू कबूल आई नहीं जिस तोहफे नू मैं ते तू ओनू मन के वखाया ही नहीं ओए कोई बंदा किसे

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ये तोहफा मिले सिदरा तुल मुनतहा मेरे महबूब पैगंबर नोहफा मिलया नमाज दा ओ नमाज़ फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद

आमीना दिलाल कुल कायनात सरदार मेरी उम्मत ने ते एदू कम नमाज नहीं पड़ी तो हाड़ी उम्मत पंजा नमाज किवें पड़ेगी दोबारा जाओ दोबारा गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुनाचे चलते रहे बार बार दोबारा गए वापस आए हत्ता के पांच रह गई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो ऐलान फरमाया सोनिया जिम्मे मैं पूरी कायनात तेन इमाम बनाया तेरी उम्मत वास्ते जेड़ा तोहफा ता कीता है तेरी उम्मत पढ़ेगी पांच मैं रब्बुल आलमीन पंजा नमाजा दे ही सवाब अता कर देंगा मेरे भाई तू पढ़ेगा पांच पंजान दा सवाब मिलेगा आज तू ते मैं असी नमाज दे चोर बन गए असी नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब अंदर फरमाया उतलुमा उहिया इलैका मिनल किताब भी वाकीमिस सला अ मेरे महबूब पैगंबर उस चीज दी तिलावत करना उतलुमा उहिया इलैका मिनल किताब

इतना अच्छा दी नमाज पढ़ेगी इंतजार करेगी ए नमाजी बंदा जो जोहर दी नमाज अदा के आके अदा कर दे। फजर तू लैके जोहर तक जितना वक्त है इन दे दरमियानी जितना खला है अल्लाह एक नमाज तू दूसरी नमाज पढ़ी बरकत न अपने बंदे दे बंद मुआफ कर देते ने जोहर पड़ी असर आके जमात के न अदा करन वाला मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अला खालिक मालिक इस उम्मत न कर देने फरमाया जोहर तू असर दरमयानी वक्त दो घंटिया वाला इन जो भी बंदा गुनाह करेगा अल्लाह नमाज पढ़ने की बरकत नाल मुआफ कर दें देने इस तू असर तो मगरब और मगरब तू ईशा फरमाया ए पंज, पंज गा नमाज उम्मत मुहमदिया नौजवान अदा करेगा अल्लाह खालिको मालिक इन दगीरा गुना मुआफ कर देंगे देने मेरे भाई आज तू ते मैं नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह ने क्या वाला जिक्र ही अकबर ये नमाज सब तू वड्डा जिक्र है आज असी पीर ते वलिया ते फकीर दे कोल जाके कहने जी साढ़े वास्ते दुआ करो अल्लाह कहते ने वाला जिक्र ही अकबर तू मेरा जिक्र कर जिथे मर्जी बैठ के पुकारेगा मैं अर्शे बरी दुआ कबूल कर लवाना और बंदे अल्लाह फेर लगा नहीं करते उन्होंने बारे अल्लाह रबुलन ने अपनी मुकद्दस किताब अंदर वहीद भी सख्त सुनाई जिन्होंने रब के जिक्र तू मुह फेर लिया ना आओ रब का कुरान की कहना है फरमाया वन आ रजान जिकरी फ इन लगू मईशतन झन का व न शुरू यऊ मल्कि मति आमा गबिलि मह शर्तनी आमा वक़दुन तुबसी रो फरमाया जहरा बंदा साढ़े जिकर तू मुह फेर लाकर नहीं करता नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ने नमाज वाला के है, नमाज सब जिकरे, जड़ा बंदा जिकर तू मुह फेर ल नमाज नहीं पढ़ा अजान तन दबी पाक सल असलम ने फरमाया हजरत सामुरा ते बिन्ते जुंद

दो फरिश्तिया ने एक बंदे न पकड़िया पत्थर ते लिटा लिया दूसरा जड़ा फरिश्ता है ओ थल्लू भारी पत्थर उठा है भारी पत्थर उठा के ओ पत्थर थले रख उत्ते इंसान का सर रखा है फरिश्ता पत्थर हटा के ते मार है ये मारद कुचलिया गया कीमा बना दिता गया फिर फरिश्ता उस पत्थर न उठादा है अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर सिर नबी पाक सलम ने फरमाया बार बार दोबारा फरिश्ता मारद

मेरे सिहाबा जदो अजान हो जाए जेडे अजान सुन के ते मस्जिद अंदर नहीं आंदे मेरा जी कर लकड़ियां दा इकट्ठ करा और फिर उन्हों के घर अंदर जाव अजान सुन के ते मस्जिद अंदर आके नमाज नहीं पढ़ते घर मैं जला देव घर जाके मिटिया मेट कर देव जेडे अजान सुन के ते ग्रब दे तरफ नहीं आते आकाली ही मुसला तो वसलाम ने फरमाया मैनू यदशा सी के छोटे छोटे बच्चे घर

अल्लाह रबुलमीन ने फरमाया साढे जरा तो मुंह फेर लेंदा ना ला फिर दुनिया तंग कर देने देखो दुनिया तंग होई है के? नहीं घर हो सारे अफ़राद कमान वाले लेकिन घी नहीं खरीदा जाता घी नहीं खरीदा जा रहा क्यों असी रब के जिक्र तू मुह फेर लिया अल्लाह ने कहा કે તું સી મેરે zikr તુ મુહ ફેરિયા મે દુનિયા તુહાડી તંગ કર દેવાંગા વનહશરુહુ યૌમલ કિયામાતી આમા કિયામત વાલે દિન મે તુહાનું અખા તુ અન્ના કરકે હોઠાવાંગા તે બંદા કી કહેગા કાલ રબ્બી લિ મહશરતાની આમા હે મેરે પરવરદીગર દુનિયા તે તે મે દેખા કરદા સા अज तू मैन अन्ना करके क्यों उठाया अल्लाह फरमान गए कदम अता तेरे खान वास्ते मैं जमीन नबाता उगा के तेरे वास्ते बंदोबस्त कि हर चीज नैदा किया इंसान तेरे वास्ते तेनू मैं पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत वास्ते मेरे भाई रबुल आलमीम देमतं खा के गैर है रब खा के फिर रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए है मेरे महबूब पैगम्बर जनाबे वसल्लम ने फरमाया और जिमे बंदे ते रब देशमार हो

ਬਾਪ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਾਫਰਮਾਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਔਲਾਦ ਭੀਕ ਮੰਗ ਕੇ ਚੰਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਦਾ ਇਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣ ਦੀ ਫਲਾਣ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ मेरे भाइयों ना फरमान औलाद अपने बाप की वसीयत नु फौरन पूरा कर दी है लोगों दे सामने हाथ फैला के तूते मैं असी ते ओ सलूक भी ना कीता आमीना दे लाल कुल कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आखरी वक्त है मेरे महबूब पैगंबर चार बंद जिन्ना बुखार है बड़ा तेज बुखार मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलम न बड़ा तेज बुखार आका अलैहि सलातो व दी तबीयत बड़ी खराब है उस वक्त भी फिक्र है ते तेरी ते मेरी नबी कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने ए मेरे सहाबा मैनु मस्जिद ले जाओ ना पाई कराम रिजवान उल्ला अली मजमा ही मुसल असलाम चार पाई तू खड़े होंगे ने और गशी आंदी है जमीन ते फिर गिर ने फिर वजू किया भाई इतना तेज बुखार तेरी ते मेरी फिकर आखरी वक्त भी नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूल सल अल्लाह वसलम द आखरी वक़तर आखरी वक्त अंदर आका ने ए वसीयत फरमाई फरमाय मेरे सिहाबा व मा मेरे सिहाबा अपनी नमाज दी हिफाजत करना अपनी नमाज नकत अदा करना ऐ मेरे महबूब पैगंबर ने आखरी वसीयत इरशाद फरमाई है इस तू तो बाद आका लि मुसला तो असलाम इस दुनिया ते नहीं जिंदा रह आकाल ही मुसलात वसलाम वफात पा गए मेरे भाई आखिरी वसीयत मेरे महबूब पे ने की बयान की थी असलात 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 ओए अपनिया निमाज़ा दी हिफाज़त करना अपनिया निमाज़ा दी हिफाज़त करना मेरे भाई ना फरमान ओलाद अपने बाप दी वसीयत नू पूरा कर दिए तू ते मैं ते असी नबीये कायना

इस जहान छड़ के चला जाना है कोई पता नहीं मस्जिद के दरवाजे तू बाहर जाना है कि नहीं जाना आ हवेली का वाकया बेटा अपनी मां कह रहे है अम्मी मैं तेरे वास्ते सब्जी लैके आना मां कहती मेरे प्यारे बेटा अपने घर मेहमान आए ने जा तू जल्दी जा तेरी खाला उनके वास्ते गोश्त लैके आ सब्जी लेके आ बेटा चले चलिया मोटरसाइकिल बाजार यजार तरफ जा रहा है इस मां बेचारी ना नहीं मेरे बेटे ने चार पाई थे वापस घर अंदर आना है सब्जी लेके नहीं आना मां उम्मीद कर रही मेरा बेटा आ आए गोश्त लेके आ रे आए सब्जी लेके आ रहे आए बेटे झट चंद मिनटा तो बाद इस बेटे ने चार पाई ते लिटाया हो है दरवाज़ा खटखट -कट कटाया गया माँ जल्दी दौड़ के आई कि मेरा बेटा सब लेके आ गया जो दरवाजा ते सब्जी नहीं बल्कि जहान जहान तू ते मैं छाए इस जहान दे कोई नहीं रहा जेड़ा तू करेगा ओनू बदला मिलेगा अगर जमीन दे गंदम दा बीज सुटना कनक न सुटना तो उ मुंजी नहीं उगरेगी कनक ही उगरेगी अगर दुनिया ते के नमाज़ां पढ़ेगा इन्हों नमाजा का तेनों क्यामत वाले दिन फायदा होएगा आका ही मुसला तो असलाम ने फरमाया जदों बंदा दुनिया तू जाना है अवलो मां यू सब इस बंदे दा सब तू पहले हिसाब लिया जामाज है।, है अगर ते नमाज ही कोई नहीं फिर रब आ रब के आए ये नौजवान कुड़ी है सहेलियां आईया अपनी इस सहेली न्यार किया इनकी शादी हो रही है मेरे भाई सोचो एक कुड़ी है साड़ी शादी ते अजे बड़ी दूर होंगी है असी पहले ही नमाज तो दूर कुरान तो दूर हर चीज तो दूर वाले ते ना फरमान बन जाने हाँ लेकिन ये नौजवान ये जवान कुड़ी माँ बाप ने तरबीयत की थी अपनी बेटी दी सहेलियां तैयार कर रही हैं ने असर दी नमाज इस नौजवान कुड़ी ने अदा की थी सहेलिया ने चेहरे बनाओ शौजानी शादी है सहेलियां तैयार कर रही हैं जो तैयारी मुकम्मल हो चुकी बाप ने अपना शफकत वाला हक अपनी बेटी दे सर ते रखिया ऐ मेरी बेटी आज तू मेरे घर तू जा रही है बाप ने अपनी मोहब्बत का हाथ अपनी बेटी दे सर ते रखिए उधरू अजान शुरू हो गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बेटी खड़ी हो गई उथे ठहर गई अजान सुनी वापस पलटी बाप कहता बेटी किधर जा रही है बेटी कहती अबू जान मैं नमाज पढ़न लगी हाँ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ سونے ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ शायद मेरी नमाज ए आखिरी नमाज होए, शायद मैं अपने घर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना मैं नमाज पढ़ के जावांगी बेटी गई वापस वजू किया सारा बनाओ संगार ले गया खत्म हो गया वजू करके मगरब की नमाज अपने बाप के घर ही पढ़ी जदों नमाज पढ़ी पहली रकत पढ़ी है सजदे के अंदर गई सजदा लंबा हो गया इतना लंबा हो गया सहेलियां आके बाजू तो पकड़ के उठान वास्ते इशारा कर दिया ने कि सहेली खड़ी हो जा दूसरा सजदा भी कर ले लेकिन इंदी रूप परवाज हो गई वाह आह तेरा मकसद मेरे भाई तू ते मैं ते हमेशा नहीं रहना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त कसम है। असर इमाम ने, मैं सूरत असर दी जड़ी तफसीर है ना ये एक बर्फ फरोश बर्फ वेचन वाला कोल वाल असर दा माना मफहूम समझे क्योंकि अल्लाह ने कहा वल आसर मैनू कसम है वक्त दी वक्त बड़ा तेजी गुजरदा जा रहा है बड़ा तेजी गुजरदा जा रहा है अल्लाह ने फरमाया वल आसर मैनु कसम है जमाने दी वक्त दी इन्नल इंसान अल खुसर सारे दे सारे लोग खसारे अंदर जा रहे ने अल्लाह जी सारे लोग खसारे दर

एक नौजवान कुड़ी खड़ी कीती जाएगी अल्लाह पुछनगे ए ज़बान-ए-हाल नाल बोल के दसेगी क्योंकि बंदा जिस हालत अंदर फौत होंदा है ओमे उठाया जाएगा ए नमाज पढ़ती उठाई जाएगी लेकिन किस्मत देवारे ने यारे ओ ओ लोग सन जिन्ना ने अपनिया नमाजा दी हिफाजत की थी मेरे भाई आज तू ते मैं असी अपनी औलाद रोटी कपड़ा हर चीज खरीद के दे रहे तरबीयत नहीं की तरबीयत तू ते मैं करनी कायनात जनाबे अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा सात साल का हो जाए बाप का फर्ज बन देटे नमाज पढ़ने का हुक्म दे जो दो बच्चा दस साल दा हो जाए बाप उनका बिस्तरा अलहद कर दे उनका कमरा अलहदा कर दे ओनू घरू बार कर दे क्यों कि नमाज नहीं पढ़ता जब बाप इस तरह का सलूक करेगा ना मैं अज ही पढ़ रहा सल बिदाया वन नहाया दे अंदर इमाम इबने कसीर लिखते ने कि हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ओना दा बेटा किसे मामले दे अंदर गिरफ्तार हो गया पुलिस वाले ने पकड़ लिया बाप रो रया सी कि मेरे बेटे नु पुलिस वाले ने पकड़ लिया लोगा ने पुछया कि तोहाडे बेटे नु ओना पकड्या कोई ने जुर्म कीता होएगा बाप कहंदा हाँ हाँ जुर्म ते जरूर कीता होएगा मैं इस जुर्म दे बदले नहीं रो रया मैं रो इस वजह तो रहा कि मेरे बेटे नमाजा फिकर अपने बेटे दी इतनी। बेटा जेल विच जा है। नमाज की फिकर है कि मेरे बेटे दमाजा का की बनेगा फिर जब अजान का वक्त हों बाप अजान पढ़ता अपनी मस्जिद अंदर अजान पढ़ी अजान पढ़न तो बाद दे सामने मुखातब मेरे रब तू इस कादिर है तू मुकम्मल कुदरत रखना है तू इसला बगैर बाप तू तो पैदा ताकत रखना है ऐ मेरे रब तू मेरी अजान की आवाज नेटे कचाण की भी ताकत रखना है बाप बेटा दरम्यनी बड़ा वक्फ है बड़ा खला है लेकिन वो बेटा जेल अंदर जदो वापसी रिहाई हुई ना दो माह तो बाद बेटा आके बाप काप पूछद मेरे बेटे तेरिया नमाजा का की बनिया बेटा कह अब जान जो जोहर नमाज का वकत हों अजान की आवाज सी आती अजान भी आवाज जैसी मैं अजान सुन मैं नमाज पढ़ता जेल अंदर और जिन्ना लोगा ने अपनी औलाद की तरबीयत की थी ना अल्लाह रब्बुल रबुलन ने उन्होंने नाम अजे तक बाकी रखे है तू ते मैं असि बड़े अच्छे सकूल का ते कर लिया है बड़ी अच्छी गड् इंतखब तो कर लिया बड़े अच्छे मोबाइल का इंतबाब तो कर लिया ले लेकिन अपने बेटे की तरबीयत नहीं की थी। मेरे भाई तेरे जान तो भी नबी ए कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औलाद जदो बाप चला है, इस नेक औलाद का

कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयति ही क़यामत वाले दिन मेरे भाई तू घर दा सरबरा है तेरे को पूछा जाएगा तेरी बीवी नमाज क्यों नहीं सी पढ़ दी तेरा बेटा क्यों नहीं सी नमाज पढ़दा तू क्यों नहीं नमाज पढ़दा से मेरे भाई क़यामत वाला दिन इतना सख्त होएगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत दे मंजिल बयान कर रहे जन्ना मेरी तेरी मां सयदा ऐशा रोन लग मेरे महबूब पुछते ने ऐशा क्यों रो रही फरमाया, सोने आ, रो इस वजह तो रही हांजा हजार साल का दिन होता और और नंगे होरमाया हां फरमाया ऐशा हाँ। फिकर ना कर अशद यौमल क़यामा क़यामत दा दिन इतना सख्त होएगा कोई बंदा अपनी निगाह नू ऊंचा नहीं कर सकेगा कोई बदबخت इंसान जिन्ना दुनियाते ते रहते ऐशो इशरत दी जिंदगी गुजारी होएगी वो अपने पसीने दे अंदर गोता जन होंगे मेरे भाई ए नमाज मोमन दी मिराज है नमाज जन्नत दी कुंजी है तू तो मैं असी नमाज दे चोर हाँ कल कयामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने की मूँह लैके जावे कि दे नाल मुहब्बत का दा दावाते करने हाँ आशके रसूल होने का दावाते करने हाँ असी नबी दी एक बात में भी तस्लीम नहीं कर दे मेरे भाई मुसविर खेंच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो उधर फरमान मुहमद हो इधर गर्दन झुकाई हो इधर अजान हो रही हो मेरे भाई तेरा बेटा नमाज पढ़ रहा हो क्या बात है वो लोग ऐसे भी गुजरे ने जिन्हों ने अपनी औलादी तरबीयत की अब्दुल रहमान फररो मैदान वास्ते, तिजारत वास्ते चले गए जो गए ना अपनी बीवी नू ती हजार अशरफी दे के गए एक थैली सोने के सिक्के दे गए इन्ह दी बीवी उम्मीद वाली सी उम्मीद नाल सी कोई बच्चा होने वाला सी फरमाया बेटी पैदा होए बेटा पैदा होए तुसी ए जड़े पैसे ने इन खा लेना हंटा लेना चले गए सतारा साल बाहर रहे सतारा साल तो बाद वापस आए घर अंदर बेटा पैदा होया ने फिर अपने बेटे की तरबीयत की थी, बच्चे नू पढ़ाया कुरान दी तालीम सिखलाई बच्चा कुरान का हाफिज बनिया हज़रत रबिया रही ए कुरान मजीद ने हिफज किया हिमामे मालिक राहुल इन्हों के शिगिर्द ने हज़रत रबिया या राय दे इतने अच्छे उसताद बने माँ ने ती हज़ार जड़े सिक्के सन सोने दे अपने बेटे दी दीनी तरबीयत वास्ते लगाए आज कोई बाहर चला जाए ना सऊदीया या किसी मुल्क के अंदर वो अपनी बीवी नु कुछ रुपए पैसा दे के जाए तो आज दिया बीवियाँ मोबाइल खरीद के देवन देनगिया उन्होंने पैकेज लगा के देखिया मामा कि मेरा बेटा परेशान ना होए लेकिन हजरत रबी माँ ने अपने बेटे की तरबीयत की थी बाप वापस आया दरवाजा खटखटाया दरवाजा खो लिया गया हजरत रबिया दौड़ के आए अब्दुलरहमान फरोख अंदर दाखिल हो लगे ना पकड़ लिया कि बगैर इजाजत तो मेरे घर अंदर हजरत रबिया ने पता नहीं सी कि ये मेरा बाप है ते बाप नो नहीं पता सी कि मेरा बेटा है क्योंकि बेटा भी जवान हो चुका सी बाप बेटा लड़ रहे ने इमामे मालिक रही मह ने आके दस्ता पकड़ लिया उधरों माँ ने आवाज सुनी क्या बेटा ये तेरा बाप है फिर बाप बेटा रो रहे ने मुहब्बत दिनाल एक दूसरे के सीने के सीना लगाया होया कि मेरा बेटा इतना खूबसूरत इतना नौजवान जो घर गए ना बीवी ने कहा हां हिसाब किताब दे ती हजार जेडे सोने के सिक्के सन उन्हों का हिसाबो किताब दे बीवी ने कहा तुसी सफर तू तु आए हो आराम करो सुबह तहू पाई पाई का हिसाब दे देवांगी दे सुबह फजर दी नमाज का वक्त होया अब्दुल रहमान फररोख थोड़े जेट हो गए हजरत रबी या तुरराय आए आ नमाज पढ़ाई मस्जिद नबी दे इमाम ने इमाम काबा ने नमाज पढ़ाई और पिछे बड़ी कसीर तादाद अंदर शगिर्द ने शगिर्द भी आला किस्म दे इमाम मालिक उन्होंने शागिर्द ने बड़े अच्छे शगिरद जो दो नमाज खत्म होई कलमा ते होलम पकड़िया सारे बैठ गए ने इमाम साहब एक जुमला बोल देने शिर्द उस जुमले का इंतजार कर देने कि अगला जुमला साद कदों बोलेगा असि फौरन लिखिए हजरत अब्दुल रहमान फररोख पिछली साफ ते बैठे नाल वाले साथी न पूछते ने यार आ किड़े केड़, खुश नसीब बाप का बेटा जिंदा बेटा इमाम है सारे लोगों लोग नमाज पढ़ान वाला और कुराने मजीद दर्श वाला लोग इन्हें जुमले का इंतजार कर रहे ने नसीब बाप का बेटा है उनाल वाला साथी कोख फररोख अब्दुल रहमान फररोख है ओं का बेटा है ते बाप ने जो नाम सुनिया ना तो खुशी दे आंसू दे कतरे जमीन ते गिर देने जो घर वापस आए तो बीवी कह ऐ मेरे सरताज आओ मैं तुहानु पाई पाई दा हिसाब देव बीवी कह बाप कहता अपनी बीवी नु है अब्दुल रहमान फर्रोख मैं हिसाबो किताब मस्जिद नबी दे मिंबर तू लेके आ गया मेरे भाई उन्होंने लोगों ने अपनी औलाद की तरबीयत की अज तू तो मैं असी नहीं पुछया बेटा तू शाम की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी कुरान की कह रहे हैं नारा ऐमान वाले ओ, अपने आप ने अपन बेटिया बचा लो जहनम अग को बचा लो जिंदा ईंधन इंसान ते पत्थर ने बंदा सोचता भी पत्थर भाई आग लग सकती है अल्लाह ने दुनिया की मिसाल दे छड़ी है बैठे चल रहे ने कि नहीं चल रहे ਇਨਾ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तकरीबन ਹੁਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਇਲਾ ਜਿੰਨੂੰ ਸਦਨੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਲੀਆਂ ਇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਠੇ ਦੀ ਅੱਗ उन्ह इटा पानी बना दें वो खंगरी बन जाती है खंगरी मिट्टी पानी बन रही है इंसान तू की चीज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ना ने फरमाया ये दुनिया की अग नालू जहनम की अग एदू सत्तर गुना तेज है मेरे भाई मोमबत्ती बाल के ना अपनी या छोटी जी उंगली उत्ते मोमबत्ती लैट ते लगा के देखते सही कि ओ छोटी जी लैट तेरी उंगली नु दी है कि नहीं जला अगर जला दे वक्त दा नमाजी बन जा अगर ना जलाए फिर रब फरमानिया करता जा रब दिया बगावत करता जा अगर छोटी जी लैट ओंदी आग तू गवारा नहीं कर सकता ते जहन्नम दी आग मेरे भाई बड़ी तेज है अग अग खा रही है मेरे भाई अग का जोधन बनाए जो तू ते मैं नमाज पढ़ा गे इन शाहरहमान आसमाना के दरवाजे खुल जाने अल्लाह अपने बंदे की गैबी मदद करे अल्लाह रबुलमीन उस जगह तो रिजक देंगे गे जिथे तू सोच भी नहीं सकेगा मेरे भाई रब का जिक्र तू करना शुरू कर दे इन शाहमान मेरा रब तेरे घर के अंदर अपनी रहमत द नजूल कर देगा मुस्ंद दे अहमद की हदीस मैं अपनी बात न खत्म करना सिहाबी रसूल आए आके ने अल्लाह के अल्ला दे रसूल मेरे घर अंदर बड़ी गुर्बत है मैं कंगाल हाँ तीन चार दिन तो मैं रोटी कोई नहीं खादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा भाई वजू कर ते जाके नमाज अदा कर सिहाबी रसूल ने वजू किया है असी ते फर्जी नहीं पढ़ते सिहाबा इकराम नफली भी बड़ी कसरत नाल पढ़िया करते सन जाके नमाज अदा की थी दुआ की थी और रब दी जात ते भरोसा इतना उम्दा फौरन घरे दौड़ लगा दी दौड़े दौड़ के घरे आए आके बीबी क्योंकि मैं अपने रब को रोटी मांग के आया अकीदा इतना मजबूत वो उठी बीबी अपने चारपाई तो तू उठी की देखे है घर बंद चक्की जिनने ही नहीं वो ची आपे चलना शुरू हो गई है आटा निकलना शुरू हो गया और रसूल ने क्या लिए जल्दी कर आटा गुन तंदूर उनके अंदर बालन पा तो जल्दी जल्दी मेनू रोटी खिला इन्हें जो बंद तंदूर के अंदर निगाह मारी है ना अल्ला ने बंद तंदूर अंदर ताजिया रोटियां लगा मेरा रब हर चीज ते कादिर है जो तो रोटियां आटा भी सारे घर के बर्तन भर गए सिहाबी रसूल ने ना उन्हें क्या भी देखा तो सही आटा आ कि उन्हें उतला हिस्सा चुकिया आटा आना बंद हो गया आटा भी पकड़िया रोटिया भी पकड़िया नबी कायनात जनाबे मुहमद उ रसूल अल्लाह सल अलाम आ गया आके आ। आ मामला बने मेरे महबूब पैगम्बर ने फरमाया जा अगर तू चक्की का उतला हिस्सा ना चकदा ये कयामत तक आटा आंदा र लोग खाते रेंदे हंडा रें मेरे भाई अल्लाह हर चीज से कादिर है तू अला बंदा बनते सही कोई उन्दा उन्दा ज्यादा काम करे ना फिर दे। मिया तेरी तनख्वाह तेन मैं इजाफी देवगा बंद बनेगा इन शाला उरहमान अल्लाह आसमाना के दरवाजे खोल देने तेरी कणक जिथे भी मन होंगी उठ मन होगी सत्तर मन होगी अज मकई देखो डेढ़ डेढ़ सौ मन मक्की भारिया जड़ी है वो आ रही है एक एकड़ के अंदर मेरा रब देखो चीजा के अंदर बरकत कर रहे ने सेब कश्मीरों चलिया एफटाबादों हर मोहल्ले हर शहर रक्षित ऐलान हो रहे ने बई खरीद लो खरीद लो कोई चीज मुक्न आ रही है नहीं मेरे भाई फिर अपने रब न पहचान जा जिन्हें तैनु ते मैनू पैदा किया है कीता किस वजह तू है खलक तुल जिन्ना वल अल्लाह को दुआ है कि आलमीन मैनू तो ते तैनु अल्लाह पंजगाना नमाज का मुहाफिज बनाए असी नमाजा पढ़िए इन श्लाहमान अल्लाह आसमान दे दरवाजे खोल देन गे उस जगह तू तो रिजक मिलेगा जिथे तू तो सोच भी नहीं सकेंगा व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्लाबीन